ऑप्शनल्स जो है ना डिसाइडिंग फैक्टर हैं, ठीक है, इस पूरी जर्नी में, क्योंकि आपके ऑप्शनल्स से ही आप मार्क्स ग्रैब करते हैं। अब कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जो पास तो कर लेते हैं, व्हेन दे पास CSS एग्ज़ाम, बट उनके मार्क्स कम होते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, उनकी एलोकेशन का मसला हो जाता है। इवन बैक इन 2018 मेरे साथ भी यही इशू हुआ था, मेरे मार्क्स कम थे, मेरे ऑप्शनल्स में मार्क्स कम थे, तो आई रियलाइज कि मेरे ऑप्शनल्स अभी मुझे स्विच करने चाहिए या मुझे ऑप्शनल से ज़्यादा काम करना चाहिए। ऑप्शनल की सिलेक्शन मैटर्स अलॉट, यू शुड ऑप्ट सब्जेक्ट्स जो आपके डिग्री में रहे हैं, जो आपके अच्छे सब्जेक्ट्स रहे हैं विद इन योर डिग्री डिग्री प्रोग्राम, तो वो ऑप्शनल्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। बाकी कुछ जनरल सब्जेक्ट्स हैं, क्रिमिनोलॉजी है, जेंडर स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, वो लोग हर कोई ले सकता है, बट स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन देम टू ग्रैब गुड मार्क्स। स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये कभी भी नहीं हुआ कि स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग का चक्कर रहा हो। जिस पेपर में मेरी परफॉर्मेंस लो रही है उसमें मुझे मार्क्स कम मिले हैं, जिसमें अच्छे रहे हैं उसमें बाकी दूसरों के बेशक कम आते हों, मेरे मार्क्स उसमें भी ठीक आए हैं उस टाइम पे, तो मैं इन चीज़ों पे कम बिलीव करता हूँ। बट एक पूरी मिथ है बैक एंड पे ना, तो देर इज़ पॉसिबिलिटी, बट अगर हम उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं तो उसको उसके पास कोई चांस ही नहीं है कि वो आपको लो स्कोर दे। नोट्स मेकिंग, वंस अगेन आई वुड से हर किसी की अपनी एक टेक्निक होती है। मेरी टेक्निक ये होती थी, पहले मैं लेंदी नोट्स बनाता था, फिर उन्हीं कोई शॉर्ट नोट्स करके आखिर में रिवीजन करने के लिए यूज़ करता था। लेंदी नोट्स बनाता था उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, तभी मेरी जर्नी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। आप किसी और के नोट्स से जब तक पढ़ेंगे यू विल नेवर बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड देम, इसलिए नोट्स हमको खुद अपने बनाने चाहिए। और दूसरी ये चीज़ आजकल मैंने नौजवानों में देखा है, क्योंकि हम अभी मिलते हैं स्टूडेंट्स हमसे सजेशंस भी लेते हैं, तो वो ज़्यादा रिलाई करते हैं फिर ChatGPT के आउटलाइंस बना के उन पर रिलाई करते हैं। अब देखें, अगर फिर क्वालिटी कंटेंट मर जाता है, आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है, यू शुड राइट योर ओन नोट्स, यू शुड मेक योर ओन नोट्स, आप अपनी आउटलाइंस बनाएं, हेल्प बिल्कुल लें, पर बिल्कुल किसी एक सोर्स पर रिलाई ना करें। फी सब्जेक्ट वन, मतलब एक आप सब्जेक्ट रेलेवेंट बुक पढ़ें। अब देखें, रिकमेंडेड बुक्स हैं वहाँ पे, अब सारे टॉपिक्स एक ही बुक कवर नहीं करती, ठीक है, तो उसके लिए रेलेवेंट बुक से रेलेवेंट मटेरियल पढ़ें और रेलेवेंट सोर्स, रेलेवेंट रेफरेंसेस से आप उनको वहाँ पे जस्टिफाई करें। दैट एक्चुअली व्हाट आई बिलीव क्रिएट्स डिफरेंस। बाकी ये है कि अगर आप किसी एक बुक को फॉलो करेंगे तो आपके पास रेलेवेंट रिसोर्सेज नहीं आएंगी, और एक बुक आपको कभी भी कम्प्लीटली कवर नहीं करेगी। हाँ, कुछ क्रैम सीरीज़ होती हैं, डिफरेंट पब्लिशर्स क्रैम सीरीज़ निकालते हैं, वो फिर जो है ना गाड़ी को धक्के देने वाली बात हो जाती है कि आपको जस्ट सब्जेक्ट पास करना है, वो सामने वाला भी समझ जाता है कि आपका आपके पास इतना कंटेंट ही नहीं है। तो उस लिहाज से अगर हम IR पढ़ते हैं तो IR पे पावर पे एक डिफरेंट बुक है, पावर उसका एक टॉपिक है, उस पर एक पूरी डिफरेंट बुक है, थ्योरीज है तो थ्योरीज पे एक पूरा डिफरेंट बुक है, केस स्टडीज़ हैं तो उस पर एक पूरा डिफरेंट बुक है। तो आप, ये नहीं हो सकता कि आप तीन तीन चार चार बुक्स पढ़ेंगे, तो आप रेलेवेंट मटीरियल वहाँ से पढ़ के, दो तीन चैप्टर्स वहाँ से हो गए आपने वो पढ़ लिए, यू कैन चेंज द बुक।